मैहर सिविल अस्पताल में आशा उषा महिला संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदेश के मुखिया मामा को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया। वहीं उन्होंने मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मैहर सिविल अस्पताल के धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, इसके बावजूद प्रदेश की सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते आशा उषा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम महिलाओं को मानदेय के नाम पर मात्र 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके चलते परिवार दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना जैसे हालातों में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की है, फिर भी शासन प्रशासन आशा उषा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। हम लोग इसलिए हवन किए गए हैं कि तो अभी 19 तारीख से आज तक अभी हम छठवां दिन है बैठे हुए हैं, हड़ताल में परेशान है रात दिन हमारी वेलेबल। हम लोग को 2,000 रुपया दिया जाता है, 2,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी आजकल सब्जी भाजी सब चीज इतनी महंगी है। रात दिन हम लोग काम करते हैं, 2 बजे 3 बजे आते हैं, इसीलिए आज हम लोग छठवां दिन है। हमने सोचा चलो मामा तो एक जब करते नहीं, कहीं धर्म का काम करते नहीं, हम ही लोग उनके नाम पर कहीं ना कहीं कर लें कीर्तन भागवत हवन, इसीलिए आज हम लोग ने छठवां दिन है हवन किया है। इसलिए किया गया कि हमारी कोई सुनाई तो हो नहीं रही है, हम लोग यही सोचे शायद ईश्वर के द्वारा हमारी सुनाई हो जाए। और हम लोग 19 तारीख से 26 तारीख के लिए निश्चितकालीन बैठे थे, अगर 26 तारीख तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जितनी भी मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता बैठी हैं तो उनका मानदेय फिक्स करें और नियमितीकरण करें, और हम इसीलिए आज हवन भी किए हैं, 19 तारीख से बैठे हुए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।